जिंदगी मेरे घर आना ओ गॉड। अरे गाना बंद करो, देखो ये सूटकेस अंदर ले जा, बहुत भारी, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना भारी सूटकेस मैं उठाऊंगा? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे इतना हल्का फुल्का सूटकेस नहीं उठा सकते, तो मेरे वर्मा बेटे के साथ कंपटीशन क्या करोगे? किसने कहा मैं तुम्हारे वर्मा से कम्पीट करना चाहता हूँ? किसने कहा? मैं देखती नहीं क्या रोज, एक मौका नहीं छोड़ते उसके साथ कॉम्पिटिशन करने का। अरे बॉस की क्या हैसियत जब मुझसे कम्पीट करे वो? उनकी हैसियत तुमने? जाहिर है उनकी क्या हैसियत, कहा वो कहा तुम। सासू माँ एक बात तुमको बता, बंद कर दो। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले तुम दोनों का शुरू हो जाता, बंद कर दो। हद है यार, इनको तो वर्मा जैसा ही दामाद मिलना चाहिए था। क्या मेरी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ, भगवान वर्मा जैसा दामाद हर किसी को दे। क्या औरत है, इतना हट्टा कट्टा हृष्ट पुष्ट दामाद होने के बाद इनको डेढ़ पसली का वी शेप वर्मा जैसा दामाद चाहिए। डेढ़ पसली का है लेकिन बहुत ताकत है उसमें, इतने भारी सूटकेस को एक उंगली पे उठा सकता है वो। छोड़ो छेरा जी, तुम्हारी उंगली आ गई। जाओ बुट्टे बंद कराओ, ये आदमी भी छोड़ता नहीं है, रोज आटा पक पड़ता है। आओ वर्मा बेटे। आ गया मेरा बेटे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीरा जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मीरा जी? आई एम फाइन सर, ये तो बहुत ही वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग हो गया सर, आज आप जल्दी आ गए। मीरा जी क्या हुआ कि मैं घर से बाहर निकला जॉगिंग के लिए, रास्ते में फूल वाली दिख गई, ये फूल बड़े अच्छे थे उसके पास, मैंने कहा आपके लिए फूल ले। थैंक यू सर, अच्छे हैं। क्या मीरा जी? फूल। और मैं मीरा जी? आप सर, मैं आपको नहीं बता सकती सर, मेरे डार्लिंग अंदर जागे हुए हैं ना। ठीक है, कल से मैं जरा और अर्ली आऊंगा। नहीं बेटे कोई फायदा नहीं होगा, अब मेरे दामाद जी दूर से तुम्हें सूंघ लेते हैं। हाथ पर चलते नहीं, बुड्ढे के लिए नाक बड़ी तेज है। हेलो सर। जीती रहो, जाओ जाके चाय वाय बनाओ। संभाल के भाई, हमें तो आपकी बू अंदर ही आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब फूलों की कि आप आ चुके हैं। और बताइए कैसे आना? अरे सर क्या हुआ कि एज यूजुअल मैं आज निकला जॉगिंग के लिए घर से बाहर अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा। सामने मुझे दिख गई फूल वाली, उसके पास ये फूल बड़े अच्छे लगे मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ फूल ले लूं। पर खुदा जब भी लाते हो फूल ही लेकर आते हो, एक आध बार फूल वाली भी ले आओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन श्रीवास्तव जी कई बार आपके ऊपर मुझे बड़ा रश सा होता है। वो क्यों भाई? क्योंकि आप अभी तक अपने आप को जवान समझते हैं। समझते हैं? हाँ? What do you mean by समझते हैं? भाई हम जवान हैं। जवान हैं? अगर आपको शक है तो हमारे साथ दौड़ की रेस लगा के देख लो। आप मेरे साथ रेस लगाएंगे? लगाएंगे भाई, आप मेरे साथ रेस लगाएंगे? लगाएंगे। ये देखो, आप मुझे आजमाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप यू वॉन्ट टू रेस विद मी? लगाइए रेस, लगाइए मेरे। लगाइए। कितने मीटर के लगाएंगे? 100 मीटर की चलेगी? अच्छा ठीक है, आपको देख के लगता है कि यू कांट रन मोर देन 10 मीटर। 10 नहीं, ना 100 ना 10, पूरे 400 मीटर। 400 मीटर आप चल पाएंगे? चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, आपका हमारा तहरा शर्त लगी आपकी, अगर आप जीते तो मैं आपको दूंगा 50,000 रुपए। ठीक है। और अगर आप हार गए तो आप मुझे मीरा जी के साथ मैं जब चाहूं जैसे चाहूं जिस वक्त चाहूं मिलने की इजाजत देंगे। वो तो आप वैसे भी मिलते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो फिर डन रहा आपका हमारा? डन डना डन डन। ओके। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ शीतल, मेरे आने वाले 3 दिनों में क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? सर कल मिस्टर शर्मा के साथ आपकी मीटिंग है, परसों मिस्टर गांगुली आपसे मिलने आ रहे हैं, और संडे को आपको खंडाला घाटी में जाना है होर्डिंग देखने। ये घाटी वाला जो प्रोग्राम है ना, ये पोस्टपोन कर दो। सर क्यों? क्योंकि संडे को मैं एक रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। वाओ सर, आप रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग मीरा जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपको पता है सर रनिंग रेस में हिस्सा ले रहे हैं? मैम मैं जानता हूँ। लेकिन सर आप किसके साथ दौड़ रहे हैं? मुझे पूछिए। किसके साथ मैडम? मेरे हस्बैंड के साथ। इमेलिव ना। आइए मीरा जी कॉफी पीते हैं। लेट्स हैव सम कॉफी। सर आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट करनी थी सर। रिक्वेस्ट क्यों करती मीरा जी, प्लीज आप ऑर्डर कीजिए मेरे को। सर ऑर्डर नहीं सर, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है सर। सर प्लीज मेरे हस्बैंड को फोन करके कहिए कि रेस का आइडिया कैंसिल कर दे सर, मैं भी कन्विंस कर दूंगी उन्हें। मीरा जी इट्स टू लेट नाउ, तीर जो है ना कमान से निकल चुका है। सर मेरी खातिर? शायद आपको मालूम नहीं मीरा जी कि मैं ये सब किसकी खातिर। किसकी खातिर सर? खैर छोड़िए, आपको शायद मालूम नहीं कि रेस जीतने में मुझे कितना बड़ा इंसेंटिव मिलेगा।
मैं आपसे जब चाहूंगा जैसे चाहूंगा आके मिल सकता हूं मीरा जी, आई कैन मीट यू एनी टाइम ऑफ द डे। लेकिन सर मैं आपके बारे में सोच रही हूँ सर, अगर आप ये रेस हार गए ना सर तो आप 50,000 तो हारेंगे ही, लेकिन आप सबके सामने मुंह दिखाने लायक भी रहेंगे सर। आपको क्या लगता है कि आपके हस्बैंड मुझसे जीत जाएंगे? दैट ओल्ड मैन कांट स्टैंड इट। सर आपको उनके बारे में एक टिप दूं सर, डोंट अंडरएस्टिमेट हिम सर, उनके साथ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ऑलराइट, या श्योर। अच्छा मेरे जी आपसे एक बात पूछनी थी। अच्छे ये बताइए कि आपको किसकी जीत पे खुशी होगी, मेरी जीत पे या आपको अपने हस्बैंड की जीत पे खुशी होगी? सच बताऊं? एब्सोल्युटली, फ्रैंकली, श्योर, ऑनेस्टली, ऑफ कोर्स, ट्रूथफुली। ये सर मैं ये चाहती हूँ कि ये रेस कैंसिल हो जाए। व्हाट आर यू टॉकिंग मेरा जी, पर इट्स टू लेट। क्या बात कर रही है, मोहन जी रेस में भागेंगे? अरे उस बेचारे के तो चलने के बाद। हेलो मोहन जी, क्या ये सच है कि मीरा मैडम के बुढ़े हस्बैंड और वर्मा साहब के बीच में रेस होने वाली है? या ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें किसने बताया? खुद वर्मा साहब ने। वर्मा? मोहन मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफ जानते हैं कि मीरा मैडम का बुड्ढा हस्बैंड क्या चीज है। क्या है वो, कोई ओलंपिक चैंपियन है क्या? जी हाँ, ओलंपिक चैंपियन तो है, लेकिन बंडल मारने में। रीता, मोहन जी हमेशा आ बैल मुझे मार वाली बात क्यों करते हो आप? और क्या मोहन जी, ये कोई उम्र है क्या रेस लगाने की? वही तो, ये सही कह रहे हैं। देख मोहन, ये दौड़ना भागना तेरे बस की बात नहीं है। याद है पिछली बारिश में तेरा छाता उड़ गया था, तू उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा था और कितनी बुरी तरह से भीग गया था। बारिश से ना? नहीं नहीं, अपने पसीने से। तुम लोग मेरी हेल्प करने के बजाय मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। तो अब तेरी हेल्प हम कैसे करें? तेरी जगह रेस में मैं तो भाग नहीं सकता। मैं भी नहीं भाग सकता हूँ। और अगर हम भागेंगे भी तो भी वर्मा साहब के सामने हार ही जाएंगे। क्यों क्यों? सिंपल, नौकरी का सवाल है। बॉस से कोई जीतता है क्या? हमारी हार में ही हमारी जीत छुपी है। लेकिन यार मैं करूँ क्या, कोई सोल्यूशन तो दो ना। एक सोल्यूशन है, तू बॉस की वाइफ से मिल और किसी तरह ये रेस रुकवा दे। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था, कविता मैडम जरूर मेरी मदद करेंगी। क्या मीरा जी के बुड्ढे हस्बैंड और विनोद के बीच में रेस? यस मैडम, यस। और आप जानती हैं, अगर वो बुड्ढा जीत गया तो वर्मा साहब उस बुढ़ऊ को 50,000 रुपए इनाम देने वाले। और अगर विनोद जीत गया तो? तो वो बुड्ढा परमिशन दे रहा है वर्मा साहब को कि वर्मा साहब जब जी में आए रात बेरात वक्त बेवक्त आए और मीरा मैडम को मिले। हाउ रिडिकुलस, कितनी अजीब रेस है ये। एग्जैक्टली मैडम, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चक्कर चलाइए और वो रेस कैंसिल करवा दीजिए। नो मोहन जी, वो रेस हो जाने दीजिए। लेकिन मैडम अगर वर्मा साहब जीत गए तो? तो देयर इज अ बिग तो, विनोद नहीं जीतेगा ये रेस। मोहन जी वो बुढ़ाऊ जितना बुड्ढा दिखता है ना उतना है नहीं। यू आर राइट मैडम, यू आर राइट। वो बुड्ढा इतना बुड्ढा है नहीं मैडम। आपके मेरे ख्यालात बहुत मिलते हैं। लेकिन मैडम क्या है कि अगर बुड्ढा जीत गया तो भी तो वर्मा साहब का 50,000 का नुकसान है ना। लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे पास रहेगा ना मोहन जी। समझा नहीं। अरे जब विनोद ये रेस हार जाएगा तो मीरा जी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। करेक्ट। और कोई हस्बैंड जब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता ना तो घूम फिर के अपनी बीवी के पास ही आता है मोहन जी। कबे रेस? आने वाले संडे को मैडम। आज से विनोद को डेली 2 रोटी कम खिलाऊंगी। उससे क्या होने वाला है? वो कमजोर पड़ जाएगा और रेस के बीच में ही। ठीक है, आपका हस्बैंड तो मिल जाएगा ना, 50,000 रुपए जाते हैं तो जाए, आते हैं तो आए, जाए 25, 26, 27। मोहन 28। क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे बाबा तुम क्या कर क्या रहे हो? अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ दौड़ने की। गिर गया। अरे इस तरह से प्रैक्टिस थोड़ी होती है, अगर प्रैक्टिस करनी है तो सोसाइटी के ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करो ना। गया था ना सुबह 4 बजे उठ के ये सोसाइटी के ग्राउंड में गया था, मुश्किल से 8 कदम चला होगा, वहीं गिर गया। 4 घंटे पड़ा रहा वहाँ पे। 8 बजे सोसाइटी के 4 वॉचमैन इसे उठा के घर तक पहुंचा गए। मोहन मोहन प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, वर्मा साहब को कन्विंस कर दो कि ये रेस वेस तुमसे नहीं होगी, ताकि वर्मा का बच्चा जब दिल में आए हमारे घर में घुस आए, है ना? गॉड, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मीरा जी, मीरा बेटी, वर्मा बेटा, जाओ अंदर बुट्टे बन के आओ, अभी जा रहा हूँ। ओह गॉड, क्या करूं? मेरा बेटी, वर्मा बेटा। हाय मेरा जी। हेलो सर, हाउ आर यू? आपके हस्बैंड जॉगिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस रेस के लिए?
सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ सर, इन्हें कन्विंस कर दीजिए कि ये रेस नहीं होगी। मीरा जी मैं उनको सिर्फ एक बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उनकी गारंटी और वारंटी दोनों खलास हो चुकी है। I mean, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे, जितना अपने वो जवान समझते हैं ना उतने जवान वो है नहीं। बिल्कुल ठीक है बेटे तुम खामखा डिंगे हांकते रहते दामाद जी। भाई कौन किसकी डिंगे हांक रहा है? पहला को दामाद जी पहला को। जीते रहो सासू मां जीते रहो। दादी मेरे लिए एक फेवर कर दो प्लीज प्लीज, बॉस से कह दो कि ये रेस तुम नहीं दौड़ोगे। क्या बकवास कर रही हो, मतलब जो 50,000 रुपए मुझे मिलने वाले हैं वो मैं खो दूं? उसमें से 40,000 तकरीबन तो मैंने मन ही मन खर्चा भी कर दिया भाई। ओह वेरी गुड दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यस लेकिन डार्लिंग समझने की कोशिश करो, तुम बीमार हो। बीमार हूँ क्यों भाई, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? अगर कुछ हो भी गया तो इनके बाद सारा खर्चा मैं करने को तैयार हूँ ना। डू इट जी जी जी। देखिए मतलब आपने मन ही मन ये तय कर लिया है कि मैं रेस हारने वाला हूँ? देखिए अगर मैंने तय कर लिया होता तो मैं रोज सवेरे गार्डन के 10 चक्कर नहीं काटता। आप गार्डन के 10 चक्कर काटते हैं? हाँ मीरा जी। ओ गॉड, आप गार्डन के 10 चक्कर काट रहे हैं? तो भाई बरखुरदार हम 20 चक्कर काट रहे हैं रोजाना। अच्छा काट रहे हैं ना ये सोफे के? यू रनिंग अराउंड द सोफा। आपको अपनी चोंच बीच में डालने के किसने कहा था? अरे वर्मा बेटा मेरे बेटे जैसा है, मैं क्यों उसे अंधेरे में रखूंगी? भाई देखिए क्या है श्रीवास्तव जी, अभी भी आपके पास एक ऑप्शन ओपन है, अभी भी अगर आप चाहें तो यू कैन गो बैक, यू कैन विथड्रॉ। पता कि आप रात को 3 बजे आकर हमारे घर की घंटी बजाएं और कहें सॉरी मीरा जी गुड मॉर्निंग आज मैं जरा कुछ जल्दी आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि रेस होगी? रेस होगी और जरूर होगी। डन है। गॉड मम्मी मम्मी एक बात बताओ, सच मुझे बताओ कि तुम्हें इस रेस के बारे में क्या लगता है? माँ मुझे क्या लगेगा बेटी, मेरी तो दोनों तरफ से ही हार है। दोस्तों कल के रेस की सारी तैयारियां कर ली है ना, वर्मा साहब ने एक स्पेशल इनाम रखा है 10,000 रुपए का। और इनाम के साथ साथ पूरे स्टाफ के नाश्ते का बंदोबस्त भी किया है। हद है, मतलब ये तो हद है। अरे तुम लोगों को मेरी जरा भी परवाह नहीं है? भाई हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम जाकर रेस में दौड़ो। लेकिन तुम लोग वहाँ पर आना अवॉइड भी तो कर सकते हो ना? अब नहीं कर सकते, वर्मा साहब के स्पेशल ऑर्डर है। और मोहन जी आपको किसने कहा था रेस में हिस्सा लेने के लिए? मेरा मतलब है आप भागकर एक बस नहीं पकड़ सकते और चले रेस लगाने। मोहन अब तो मान ले कि तू वर्मा साहब के साथ आगे से कभी किसी रेस में नहीं दौड़ेगा। तनवीर उसके लिए मोहन जी का जिंदा रहना जरूरी मैं आप सबको दोबारा रिमाइंड कराने आया हूँ कि कल ठीक सुबह 8 बजे मेरी और मीरा जी के हस्बैंड की रेस शुरू हो जाएगी। yes. और आप सब लोग इनवाइटेड हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सुबह का नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री है फ्रॉम माय साइड। सर उसके ऑर्डर मैंने दे दिए हैं। ग्रेट ग्रेट। मेरा एक फ्रेंड है गिरीश गुंडी कैटरर है, वो अपने को कंसेशन भी देने वाला है। अच्छा वेरी गुड, आपने क्या का नाश्ते में ऑर्डर किया? वेफर और पानी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, नो वंडर हमारी कंपनी इतना प्रोग्रेस कर रही है तेजी से। नहीं अच्छा मोहन जी आप बताइए कि आपने क्या क्या इंतजाम किए हमारे रेस के? सर जी मैं तो अंडर प्रोटेस्ट कल नहीं आऊंगा रेस पे। किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर आप रेस लगा रहे हैं एक बुड्ढे के साथ, एक बुजुर्ग आदमी के साथ, बीमार आदमी के साथ, एक ऐसा आदमी जिसकी ऑलरेडी एक टांग कबर में है, उसकी दूसरी टांग आप रेस के ट्रैक में रख रहे हैं और उसे जीतना चाहते हैं आप? अगर आपको इतना तरस आ रहा है उनके ऊपर तो आप क्यों लगाते हैं रेस मेरे साथ? Why don't you run with me? I'm game. What a brilliant idea, sir. What a brilliant idea. मोहन जी उनकी जगह आप रेस लगाइए। Yes. हाँ सर, वो क्रिकेट में बॉल लगने के बाद रनर रखते हैं ना, वैसे उनकी जगह ये भागेंगे। I'm giving a good deal. सर मैं भागता जरूर भागता, लेकिन मैं इस डर से नहीं भाग रहा कि अगर मैं जीत गया तो पूरे स्टाफ के सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर तब भागते तब भागते, लेकिन अभी तो आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। वर्मा जी मैंने कल की रेस की सारी तैयारी कर ली है। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप सर। आई मीन आप तो स्पोर्ट्समैन लगते हैं सर, अगर आपका पेट निकाल दिया जाए तो यू आर ऑलमोस्ट लाइक ए स्पोर्ट्समैन सर। एनीवे सर आपने जवानी में कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेला सर? एक ही स्पोर्ट्स, कबड्डी 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 कबड्डी, और मैं सब तैयारी करके आया हूँ। क्या तैयारी की है सर आपने? देखो मेरे पोते की सिटी लेके आया हूँ, कल के मैच में रेफरी मैं रहूंगा। साथियों आज यहाँ पर हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वर्मा और मीरा जी के हस्बैंड श्रीवास्तव जी के बीच में रेस होने वाली है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर में क्या ताली मार रहे हो? सर मैं शिव भक्त हूँ सर।
जो शिव जी के मंदिर को चक्कर मारकर सबसे पहले यहाँ आएगा उसे इनाम में 10,000 रुपए और ये ट्रॉफी दी जाएगी। दूसरे नंबर पर आने वाले को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भी इनाम दिया जाएगा 50 रुपए की ये ट्रॉफी। बस बस मीरा जी, कविता जी, अपने अपने हस्बैंड से आखिरी बार बातचीत कर लीजिए। आखिरी बार? हाँ मीरा जी, श्रीवास्तव जी को आखिरी बार गुड बाय कह दीजिए। जा तो रहे हैं, अपने पैरों पे लौट के आए ना आए। शट अप विनोद, इतनी अशुभ बात कर रहे हो, इनकी उम्र का तो लिहाज करो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डार्लिंग, आप अब भी विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं मीरा डार्लिंग, बिल्कुल नहीं, अब तो तलवार म्यान से और तीर कमान से निकल चुके हैं। वीपी साहब सीढ़ी बजाइए, रेस का आगाज कीजिए। रेडी रेडी, वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। श्रीवास्तव जी, हमसे रेस लगाने चले थे, हमसे वो भी मैराथन, 100 मीटर नहीं, 50 मीटर नहीं, 400 मीटर। ये लीजिए मैं चला। बाद में नारियल पानी वाले, नारियल पानी वाले। कहा गया वर्मा, अभी आ जा। नारियल पानी वाले, नारियल पानी वाले। आगे आगे आगे। ये बुड्ढा दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं रास्ते में टपक तो नहीं गया। हमसे रेस लगाना चला था, हमसे विनोद वर्मा से मैराथन रेस लगाएंगे। नारियल पानी वाला, नारियल पानी वाला, नारियल पानी वाला। जरा एक नारियल पानी पिलाओ। अरे ले लो साहब, ले लो। क्यों साहब, रेस चल रही है क्या? हाँ भैया रेस चल रही है। ये लीजिए। कितने लोग दौड़ रहे हैं रेस में? एक बुड्ढा दौड़ रहा है बस पीछे। अच्छा अच्छा, पता नहीं कब तक पहुंचेगा यहाँ पे, मालूम नहीं, लेकिन दौड़ रहा है। कितने भैया? नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्समैन से हम लोग पैसे नहीं लेते। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, वेरी स्पोर्टी, वेरी स्पोर्टी। अच्छा यार देखो, ऐसा है कि एक बुड्ढा पीछे आ रहा है, मतलब दौड़ तो नहीं रहा, वो चल के आ रहा है, तो 15-20 मिनट लगेंगे उसको पहुंचने में। अच्छा, तब तक मैं थोड़ा सोता हूँ, मुझे सुस्ती आ रही है। आके तो उठा देना मेरे। सो जाइए, उठा देना मुझे, मैं लेट लेटे निकल जाऊंगा। सो जाइए। क्या बात है यार, इसका अपना अलग मजा है, नहीं फुटपाथ पे सोने का। सुद्धू काम हो गया, नींद की गोली डाल के सुला दिया, 10 मिनट तक नहीं उठेंगे। मीरा जी, अभी तक आपके हस्बैंड लौटे क्यों नहीं? आपके हस्बैंड भी तो लौट के नहीं आए हैं। एक्चुअली मीरा जी, जी आई एम क्वाइट श्योर, ये रेस है ना, आपके हस्बैंड ही जीतेंगे। मेरे हस्बैंड? एक बात तो बताइए, आपको मेरे हस्बैंड में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? Because he looks so fit. क्या बात है, क्या बात। अरे कोई वो बुड्ढा आया था क्या? नहीं कोई बुड्ढा नहीं आया। पता नहीं आज वो आएगा भी कि नहीं आएगा। बड़ा ग्रेट टाइम है। चलो मैं चलता हूँ बॉस, आगे जाऊंगा आगे जाके। थैंक यू। वर्मा जी, ये लीजिए आपका इनाम, 50 रुपए की ट्रॉफी। मैं तो रेस जीता हूँ, मुझे तो बड़ी बड़ी ट्रॉफी मिलनी चाहिए ना सर। लेकिन वो ट्रॉफी आपके हाथ से निकल चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो ट्रॉफी श्रीवास्तव जी जीत चुके हैं। कैसे हो सकता है? ये हो गया है। ओह नो, ओह यस। श्रीवास्तव जी आप तो मेरे से बहुत नीचे थे। पर खुर्दार, शायद आपने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी नहीं पढ़ी होगी।